हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस को लेकर के है, यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन ऑफिस कैल्क की। और ओपन ऑफिस कैल्क के साथ साथ मेन जो टॉपिक है वो ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस का है। तो आज हम खास तौर पर ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस को ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये ओपन ऑफिस कैल्क है जिसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .ods। और ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस के फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .odb। तो हम ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस ओपन कर रहे हैं। जब ओपन करेंगे तो ये डेटाबेस विजर्ड आएगा और यहां से आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई पहले से मौजूद डेटाबेस है तो आप उसको यहां से जाके ओपन पर क्लिक करके ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास तो कोई है नहीं ऐसा, तो हम क्रिएट पर चलते हैं और यहां से जाके नेक्स्ट करते हैं। हमें फिलहाल कोई रजिस्टर नहीं करना इस डेटाबेस को, तो हम डोंट रजिस्टर पे क्लिक करके और फिनिश से कर देते हैं। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये एक नेम आ जाता है और इसके फाइल की एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट शो हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं .odb आ रहा है। तो ये इसके फाइल की बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जब सेव पे क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो खुल करके ऐसे आएगा, ठीक है। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट से उलट है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन है डेटाबेस ही। अब यहाँ पर आप डिजाइन व्यू पे जाएंगे या फिर यहाँ से विजर्ड से आप जा सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे क्रिएट व्यू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। अब यहाँ पर भी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चीजें रखनी है उसको हमें प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, प्राइमरी की, ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाने के लिए पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर जो भी लिखिएगा वो फील्ड यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर करके लिख दिया आईडी। अब यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, डेटा एंटर करने का कॉन्सेप्ट कैल्क से बिल्कुल अलग है, कैल्क के जैसा ये नहीं है। तो अगर आप कैल्क को ओपन करते तो कैल्क आपको कैसा दिखाई पड़ता, तो यहाँ पे देखिए ये कैल्क है आपका। तो यहाँ पर ये कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर लिब्रा ऑफिस कैल्क ही ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैल्क है, तो कैल्क में सिनेरियो कुछ ऐसा होता था, रो और कॉलम्स बने होते थे, जबकि यहाँ पर जब हम आए हैं तो आप देख सकते हैं कि सिनेरियो किस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी किस फॉर्मेट में रखना है, नंबर में रखना है, डेसिमल रखना है, तो डेसिमल तो होता ही नहीं है, इंटीजर रख सकते हैं आप, तो इंटीजर ही रख लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको प्राइमरी की बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नजर आएगा प्राइमरी की, तो बस प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, ये बन गई प्राइमरी की, यानी कि अब आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक ऑटो वैल्यू का ऑप्शन है, अगर आप इसको यस कर देते हो तो यहाँ पर वैल्यूज ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी, ठीक है, ऑटो वैल्यू का मतलब यही होता है, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे, नेम ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और इसका डेटा टाइप हो जाएगा वेयर केयर, क्या हो जाएगा, वेयर केयर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के नेम आएंगे, तो ये हो गया कंप्यूटर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंग्लिश ENGLISH, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे साइंस SCIENCE, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, जो 9th, 8th, 9th, 10th में होता है, जो आप नहीं सीख पाते हैं वो इस वीडियो से आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना है और कैसे डेटा इसमें एंटर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तीन सब्जेक्ट हो गए, अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट MATHS मैथ्स कर दिया हमने, और यहाँ पर आकर के एक और सब्जेक्ट हम क्या कर देंगे, लास्ट में एक सब्जेक्ट कर देते हैं SST, तो ये हो गया SST। तो सारे ही सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है एंटर करवा लिए हमने, जो भी सब्जेक्ट के नेम है उसे हमने एंटर करवा लिया है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डॉट वगैरह ना लगाइएगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर तो ठीक है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर में मार्क्स मिलेंगे तो वो डेटा टाइप वेयर केयर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो नंबर होगा, तो नंबर दे दीजिए। फिर यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप, सबको न्यूमेरिक यानी नंबर वाला डेटा टाइप हम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर के भी इसे भी नंबर डेटा टाइप हमने दे दिया, टोटल करना है लेकिन टोटल यहाँ से होगा नहीं, हम इसको सेव करते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे, टेबल वन के ही नाम से इसे सेव कर देते हैं, या फिर स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से, स्टूडेंट टेबल के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं, तो ये स्टूडेंट टेबल के नाम से सेव हो गई। अब यहाँ पर कट वाले बटन पे, क्लोज वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
इस पे काम करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल आपको नजर आएगा, अब इसमें रिकॉर्ड्स आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने क्या कहा था ऑटोमेटिक ही आएगा, तो ये ऑटो फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे RITESH एक स्टूडेंट का नाम हमने लिखा, यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स आए और जो भी मार्क्स हैं वो आते चले जाएंगे, यहाँ पर जो भी मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहा है जीरो से, देख रहे हैं यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर अंकित एक नाम लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मार्क्स जो भी हैं वो आएंगे, तो ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये वन आ रहा है, तो यानी जीरो के बाद ये वन स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एक और नाम लिखते हैं मोनू, और यहाँ पर मार्क्स फिर यहाँ पर फिटिंग करते हैं मार्क्स जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, मार्क्स हमने फिटिंग कर दिया, तो यहाँ टू आ रहा है। तो लाइन से ये आता चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही बनी हुई है अभी कि यहाँ पर कैलकुलेट होगा टोटल कैसे, ठीक है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिया हमने। अब क्या करना है, हमें क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी पे चलना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तीन ऑप्शन इसमें भी दिखाई देंगे, क्रिएट क्वेरी एंड डिजाइन व्यू, यूज विजर्ड टू क्रिएट अ क्वेरी, और लास्ट है एसक्यूएल व्यू में जाके कैलकुलेट करना। तो हम अभी क्वेरी विजर्ड का यूज करेंगे, तो विजर्ड पे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और ये सारे सब्जेक्ट के नाम भी हमें चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किस में चाहिए, तो वो हिसाब किताब देख लीजिएगा कि किसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर पहले कंप्यूटर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो वो सारी चीजें दे करके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरीके से ही आ गया है, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं सीधा सीधा, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करिए, और नेक्स्ट करके यहाँ से क्या करना है आपको, फिनिश पे क्लिक करना है। तो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेरी बनानी है। तो इसको हमें किस पे लेना होगा, एडिट पे लेना होगा। तो यहाँ पे एडिट पे लेते हैं, एडिट पे जब लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये ऐसे आ गया है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आना है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर क्या दे देना है, ठीक है। तो चलिए ये कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए कैसे बिल्कुल एक्सेल से अलग है। यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं टोटल मार्क्स, हम क्या कर देते हैं टोटल अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं मार्क्स, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर जो है हमें डबल कोट्स लगाना है, क्योंकि एक्सेस में तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डबल कोट्स लगाना है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है बस कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये देखिएगा कि डबल कॉमा जो आप ओपन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लोज करते रहिएगा, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दो बार कॉमा लगा देते हैं, यानी कि वो ऐसा करते हैं, जरा देखिएगा, एक बार कॉमा फिर दो बार कॉमा, तो ये आपको नहीं करना है, डबल डॉटेड कॉमा शिफ्ट दबा के लगाना है, ये याद रखिएगा। फिर प्लस का निशान लगाइए, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको बंद कीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, तीसरा सब्जेक्ट है SCIENCE साइंस, तो यहाँ फिर अब साइंस हो गया, तो फिर यहाँ प्लस का निशान लगा लीजिएगा, साइंस हो जाए तो, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके आपको करना है, तो यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा लिया, और प्लस का निशान लगाने के बाद क्या करना है आपको, मैथ्स करना है, MATHS मैथ्स हो गया, और फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और प्लस का निशान लगा करके SST करिएगा, SST, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, SST कर दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल कोट्स को क्लोज करना है, ओपन करके क्लोज करना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक दो तीन चार पांच, पांच सब्जेक्ट कुल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सीधा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रन क्वेरी पर, और रन क्वेरी पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबके मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर कोई भी यहाँ पर आप नेम डालते हैं, जैसे एक नाम लिख दिया हमने युवराज करके, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, YUVRAJ, ये हो गया युवराज। और यहाँ पर अब मार्क्स हमको देने हैं, तो यहाँ पर मार्क्स हम देते चले जा रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये मार्क्स दे दिया हमने। और जहाँ जैसे नीचे आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता चलेगा। तो ये क्वेरी लगाने का और चीजों को करने का तरीका है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बिल्कुल अलग है, लेकिन है बहुत आसान, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपके स्कूल में कॉलेज में अगर पढ़ाया जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा काम आपके लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।